वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पूरा विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, ठीक है, और विद्युत फ्लक्स का मैंने सूत्र भी बताया था, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, राइट। उसके बाद एक आध नोट भी आप लोगों ने पढ़े थे, अब आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा। अगला हमारे को इसके बाद एक सवाल दिया हुआ है ना, सवाल दिया हुआ है, तो सवाल को हम लोग देखते हैं सभी लोग, ठीक है। इस सवाल को देखने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 11th में आप लोगों ने सदिश पढ़ा होगा, पढ़ा है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं मालूम कितना पढ़ा है, पर अगर जिन लोगों की कमी है तो मैं यहाँ पर एक सूत्र लिखा रहा हूँ, उसको नोट कर लो, क्लियर। समझ लो पहले, यदि ए वेक्टर बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एवं बी वेक्टर बराबर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, है ना, बी थ्री के कैप, बी थ्री के कैप हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर किसी ने पूछा कि कितना होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला ए वन का गुणा बी वन से कर देंगे, ए वन बी वन प्लस ए टू का गुणा बी टू से कर देंगे, ए टू बी टू प्लस ए थ्री का गुणा बी थ्री से कर देंगे, यानी ए थ्री, ठीक है। यानी अगर आपको ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है, कोई पूछे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो, तो हम ऐसे गुणा कर देंगे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, सीन क्लियर है। सूत्र लिख लो, फिर मैं सवाल पे आऊंगा। अब इसके बाद हम लोग इस सूत्र पे आधारित सवाल हमको जो अगला दिया है उसे करते हैं, ठीक है। तो गौर से देखिएगा सब लोग, वो मुझसे अगला सवाल जो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है आपको E वेक्टर बराबर टेन आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, राइट। और आपको S वेक्टर बराबर दे रहा है 10 के कैप, कितना दे रहा है 10 के कैप, ये न्यूटन प्रति कूलम और ये मीटर स्क्वायर, क्लियर। तो कह रहा है रखा जाता है पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, क्या की गणना कीजिए, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग। उसे वो बोल रहा है कोई एक जगह है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतने न्यूटन प्रति कूलम है और जो क्षेत्रफल है वो एस वेक्टर बराबर 10 के कैप मीटर स्क्वायर है। हमें कैसे पता चली कि ये एस क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर में नाप रहा है तो मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल नापा जाता है, यहाँ पर क्षेत्रफल को वो ए की बजाय एस से शो कर रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। अब ये पट्टा कौन, ये तुम्हें कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, अदिश रूप या सदिश रूप, सदिश रूप में लिखे हैं ये सब चीजें, तो जाहिर सी बात है मैंने पढ़ा है। अब यहाँ पे के कैप है, जहाँ मैं ना आई को एल्लो है ना जे को पतो है, सही बोल रहा हूँ, तो मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस ये आता ही है टैंक के कैप। बोले भैया पट्टन ने मुझे विद्युत फ्लक्स पूछी है तो मैं कौन सा कम पढ़ रहा हूँ, मैंने बचपन में पढ़ी थी विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर, आपको याद है, ई वैक्टर डॉट, अब मैं ए की जगह क्या लिखूं, क्यों लिखूं, समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एस माना है क्षेत्रफल को, लिख दूं नहीं लिख दूं, लिख दूं तो फाई बराबर मुझे क्या चाहिए, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया, मुझे ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर चाहिए, यानी इसका इससे डॉट गुणनफल चाहिए। बोलो जैसे ए वन को बी वन से करो तो ए वन बी वन आ गई, यदि 10 को जीरो से करे हो तो 100 आ जाएगी, अच्छा जीरो आ गई, अच्छा ठीक है, तो 10 को गुणा जीरो दे वो तो जीरो आ जाएगा, कहते हैं ऐसे, क्लियर। चलो आगे तुम ही बढ़ो, मैं क्या कराऊंगा, मैं शाबाश बच्चों बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग, नहीं है मेरी बात समझ, सीन क्लियर है। तो लाला जी इत्याई पाई बराबर 20 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर,
यार मेरे को सब समझ में आ गया, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा जी कहाँ दे दे दो इनने। हाँ समझ गए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टन ने दे दी है पहले ही, न्यूटन पर गुलाम, तो न्यूटन पर गुलाम ए क्षेत्रफल, बर्ग मीटर, बर्ग मीटर सीन क्लियर है, तब तो नहीं मांगे कर ले, उतार लो फटाफट, उतार लो इसको पहले। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया है। बोल भैया आगे की कहानी करता हूं। इसके बाद हमारे सामू अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स के प्रकार बताओ, है ना। तो विद्युत फ्लक्स के प्रकारों की बेटा अगर मैं बात करूं तो विद्युत फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का। हाँ, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो चलिए समझते हैं धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है। इससे पहले कि धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स बताऊं उससे पहले तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। इलेवन इलेवन तुम देख रहे हो हर क्वेश्चन पे श्री राम है रही है, समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब आप देखो इलेवन कितना इम्पोर्टेंट है, गलती से भी अपने छोटे भाई बहनों को ये सलामत है ना कि 11 के बाद 12 करिए, समझ गए ना, 11 ही में ही 12 करिए, मतलब समझ रहे ना मेरी बात को। ऐसा बिल्कुल मत सलाह देना, तुम्हारी इच्छा है जैसो ठीक है वैसे करो। तो खैर अब मुद्दा ये है, अभी तो मैं अब नहीं बता रहा हूँ उसको, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्लियर। वैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा साइन कॉस टेन, 0 से 90 तक की वैल्यू तो आपको पता होती है, 90 से ऊपर की पता है? निकाल लेते हैं, कितने लोग निकाल लेते हैं 90 से ऊपर की वैल्यू? शाबाश, इन लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तेने के हाथ ऊपर ना ने भैया पढ़ाई कर लो, कोरी बतरा बनते तो कछु नहीं हो, साफ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 90 से ऊपर की वैल्यू मैं किसी न किसी दिन आपको निकालना सिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी फिलहाल वैसे ही अपन बहुत मैथमेटिक्स पढ़ के बैठे हैं ना, कहीं कहेंगे मैथ ही चल रहा है यहाँ तो पूरा, क्लियर है ना। तो सुने ध्यान से, तो 90 से ऊपर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, घबराए नहीं, पर फिलहाल हमको जरूरत पड़ रही है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट उसको डायरेक्ट भी याद रखें, आप निकाल भी सकते हैं लेकिन आप उसे डायरेक्ट याद रखें, आपको बहुत काम आएगा। कॉस 180 डिग्री, क्या कोई पूछे कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। कॉस 180 का मान -1 होता है, डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, आपको बहुत इस्तेमाल में आएगा, क्लियर। चलो तो फिलहाल मैं शुरू करता हूँ विद्युत फ्लक्स के प्रकार। तो बॉस विद्युत फ्लक्स होता है दो प्रकार का, हाँ कौन कौन सा? हाँ धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है वैसे? फाई बराबर ई कॉस थीटा, राइट। चलो अच्छी बात है, अब आप गौर से देखिए, जैसे मान के चलिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र है ना। अब यहां पर कोई एक पृष्ठ रखा हुआ है, ये पृष्ठ है, क्लियर है। तो ये जो पूरा पृष्ठ है, क्लियर, इस खुला पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। अब मान के चलिए आप थोड़ी देर के लिए कि मैंने ये मॉरिशस से जो बॉक्स मंगवाया है ना, ये रखा हुआ है, दिख रहा है आपको बॉक्स प्रॉपर सभी को, क्लियर है। ये बॉक्स इस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, दिख रहा है, क्लियर। इस वाली सतह से विद्युत बल रेखाएं इस बंद पृष्ठ के अंदर जा रही हैं या बाहर आ रही हैं? इससे बाहर आ रही है, सीन क्लियर है सभी को। इस वाले पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हैं और इससे बाहर जा रही, जा रही नहीं, जा रही, जा रही हैं, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान का सब। तो समझिएगा ध्यान से, तो मैं छोटे छोटे चित्रों के रूप में ले रहा हूं इसे। तो ये बंद पृष्ठ है, यहां से विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो यार ज्यादा पढ़े लिखे ना, विद्युत फ्लक्स का सूत्र, शाबाश बच्चों, फाई बराबर ई ए कॉस। अब मुझे थीटा चाहिए, समझना, ये तीर आप देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, बोलो है कि नहीं है। अब चूंकि ये जो बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ की एक खास बात समझिए, आप बताइए पहले,
इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? ऐसे, हमेशा बाहर की तरफ होता है। इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये कहाँ की तरफ होंगे? हमेशा बद्ध पृष्ठ के बाहर की तरफ होंगे। नहीं आई मेरी बात समझ? तो आप ही बता दो फिर, अगर इतने ही समझ रहे हो तो ये वाला जो सतह है इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? कैसे होगा बोलो? होगा नहीं होगा? होगा ना। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब मुझे मालूम है थीटा कोण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और क्षेत्रफल सदिश के दिशा के बीच का होता है। तुम बताओ कितना? 180 होगा। क्यों होगा 180? विद्युत क्षेत्र जा रहा हो जालंग, क्षेत्रफल सदिश जा रहा हो जालंग, राइट? समांतर तो है लेकिन दिशाएं विपरीत है। अगर समांतर होती और दिशाएं एक ही होती तो जीरो होता। क्लियर है? 180 क्यों? समझ में आ रही है बात? एक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है और क्षेत्रफल सदिश इस तरफ जा रहा है, तो कितने डिग्री कोण हो गया? 180 डिग्री। और कॉस 180 कितना होता है? तो ये फाई बराबर तिहाई है गई माइनस। समझ में नहीं आई होगी का है गई का? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आइए बताइए ना, देखें कौन सा बता रहे हो मुंह पे थे। फिर से ये बंद पृष्ठ है बोलो। चलो अब है ना, इस वाले पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं कहाँ की तरफ जा रही हैं? बाहर की तरफ जा रही हैं। तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है बट्ठा मुझसे, तो फाई बराबर ये कॉस थीटा कितना है? थीटा कितना है? क्यों क्यों है जीरो? क्यों है जीरो? समझ गए? विद्युत क्षेत्र ऐसे है और ये जो पृष्ठ है हमारा, अब ये बंद पृष्ठ ऐसे है, तो इधर वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल सदिश जालंग होगा। वो नहीं होगा जी, मैंने बढ़िया बी आई पी क्षेत्रफल सदिश बना दो, ठीक है? विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही। कितने डिग्री कोण हो गया? कॉस जीरो कितना होता है? वन। वन का गुणा ई ए से करूंगा, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा तो कौन सा मानते हैं? समझ गए? क्लियर है? दो प्रकार का विद्युत फ्लक्स होता है, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स और दूसरा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर है? जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक। और जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं तो धनात्मक। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? कुल विद्युत फ्लक्स कितना? जीरो। हलवा जाने दो, मिल जाएगा। ये माइनस को इया, ये प्लस को इया, है? नहीं यही बात समझ में? कुल विद्युत बल कितना हो गया? कोई भी पट्टा मोदे पूछ ले कि ये विद्युत बल रेखाएं हैं जहां मैं ये बंद पृष्ठ धरो, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? जीरो। खत्म, दैट्स ऑल। ये तो मुझे डिटेल में समझाना था तो मैंने समझा दिया कि क्यों हुआ। बात समझ में आ रही है? कोई भी बंद पृष्ठ को जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, क्लियर है, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सदैव जीरो होता है। भाषा समझ में आ गई? बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो होता है। क्लियर? जब किसी बंद पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो होता है। कईयों के मन में बेचैनी सी है रही होगी, बोले ठीक है जन को तो निकाल दो, इनको निकाल रही दे, निकाल लो। तुमने हवाली पढ़ी है, तुम्हें बताओ। चलो बताओ, इस वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? समझे? अरे भाई बराबर ई ए कॉस लगाओ थीटा, तो मुंह मालूम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के बीच को कौन है? विद्युत क्षेत्र की दिशा ये दिख रही है तुम्हें, और जहां क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कितना होगा? होगा कितने डिग्री कोण है? 90। कॉस 90 कितना होता है? जीरो को गुणा जाते हैं जाओ तो कौन सी तोप चल जाएगी? जीरो आया, आया नहीं आया, इससे जो मैं जीरो आ जाओ, क्षेत्रफल सदिश कितना होगा बताओ? थीटा का मान कितने दरोगे बताओ? समझ गए? सीन क्लियर है? क्लियर? ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे। इधर मुझे विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है बॉस, एक धनात्मक विद्युत फ्लक्स, दूसरा होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्लियर? क्लियर? नंबर वन धनात्मक विद्युत फ्लक्स, जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर की ओर जाती हैं तो उसे धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और जब विद्युत बल रेखा बंद पृष्ठ के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। क्लियर? समझ पा रहे हैं? रीजन समझ में आया डिटेल में? चूतिया बटे टाइप जो कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता उनको समझाऊ, वो लोग समझ लें। ये जो बंद पृष्ठ है ना, ये तुम्हारा घर है, कहा है? घर। घर में हम फुल आजादी से रहते हैं, जैसा ठीक लगे वैसा करते हैं, जबरदस्ती का कोई काम नहीं, ये सुन लो, है ना? अब घर में जे तुम्हारे मेहमान आए गए, अनजाने मेहमान,
अनचाहे मेहमान से, है ना, कहीं वहां जबरदस्ती के मेहमान आ जाते हैं, हमारी आजादी छिन जाती है, जबरदस्ती हसी ना हुआ है। और सब बढ़िया होता है कि नहीं होता, बोलो। तो वहां पर आपको घर में आजादी छिन जाती है, आपको तनाव पैदा होता है, आपको है अच्छा कब लगता है, जब ये मेहमान चले जाते हैं, यानी ये मेहमान चले जाते हैं, तो तुम मान तरह बिना स्टेशन तक छोड़ के आते हो, लौट नहीं आए तुम, क्लियर ये सर नो, है ना। तो ये मेहमान कौन हो गया, चलते फिरते करंट दे रहे हैं हमें, टेंशन दे रहे हैं, यानी मेहमान यहां पर हो गए विद्युत बल रेखाएं, क्या हो गई, विद्युत बल रेखाएं, और घर हो गया बंद पृष्ठ, है ना बेटा। जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर आई, यानी मेहमान हमारे घर के अंदर आए, अनचाहे मेहमान हमारे घर के अंदर आए, तो हमारे को तनाव पैदा हुआ, तो ये धनात्मकता का प्रतीक है या ऋणात्मकता का, हाँ, यानी जब विद्युत बल रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर जाती हैं तो विद्युत बल ऋणात्मक होता है, समझ गए हो गए, जब विद्युत बल रेखा, हाँ और साची जे बढ़िया है ना, सही है ना, है ये देखो भजी तो करेगा कर ले भाई, रो हो गया हमाओ कचुना ने, क्लियर है, समझ गए। कितने प्रकार का विद्युत फ्लक्स, कौन कौन सा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कब होगा, जब विद्युत बल रेखा है बंद पृष्ठ के, जब विद्युत बल रेखा बंद पृष्ठ के बाहर जाएंगी, क्लियर। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कब होगा, जब विद्युत बल रेखा है बंद पृष्ठ के अंदर जाएंगे। सबको समझ में आया, कारण समझ में आ गया है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो, क्यों जीरो समझ में आया, ठीक है। चाय ठंडा लोगे कुछ, थैंक यू एवरीवन, चीयर्स फॉर यू, पढ़ लो फटाफट पूर्ति में, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं तथा इसे सिद्ध कीजिए, तथा इसे सिद्ध कीजिए, आप सिद्ध करवाएं, सीन क्लियर है। तो सिद्धि के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, तभी तो सिद्धि मिलेगी, क्लियर है। आपको मालूम है गॉस की प्रमेय किसने दी, अच्छा गॉस ने दी थी, ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर। तो सबको समझ में आता है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय किसने दी, गॉस ने दी, कहीं और टेस्ट भी ऐसे होते हैं, गॉस की प्रमेय किसने दी पता नहीं, किसने दी, तो गॉस ने ही दी भैया, ठीक है। चलो तो गॉस की प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं, तैयार है एवरीवन, कहाँ बड़बड़ा रहे हो, परेशान है बेचारे, डरे रहने दो, जब गैप मारो, गैप मारो होगा विद्युत फ्लक्स में, चलो ठीक है। गॉस की प्रमेय रेडी, गॉस की प्रमेय हमसे क्या कहती है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये देख रहे हो, ये मैंने बढ़िया बीआईपी बंद पृष्ठ बना दिया, क्या बना दिया, बंद पृष्ठ, गोला, क्या, हाँ गोला, क्लियर है, बंद पृष्ठ। अब ये जो खोखला गोला है, इस गोले के अंदर ये एक आवेश है क्यू, गोले के अंदर एक आवेश है क्यू, क्लियर, काय के अंदर है, खोखले गोले के अंदर क्या है, आवेश। मैं जो भी बोल रहा हूं आज कुछ और बोल रहा हूँ, दो दिन बाद कुछ और बोलूंगा, तो आप प्रोफेसर बाद ना, तो तुमने ऐसे कही थी, आज तुम ऐसे कहते हो, क्लियर, समझ पा रहे। वास्तविकता तो ये कि खोखले गोले के अंदर कोई आवेश होता ही नहीं, शून्य होता है, कोई आवेश नहीं होता, तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, तो क्यों मैंने बोला है, मैं इसका जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद दूंगा, राइट, ये हो सकता है अगले वीडियो में, ठीक है ना, अभी आप समझो बस। तो ये जो आवेश आपको दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है, अभी जो दिख रहा है, अभी के हिसाब से बोलो, ठीक है ना। तो ये जो आवेश है ये कहाँ पर है, गोले के अंदर, ऐसे बोल दू, बंद पृष्ठ के अंदर, अद्वय के नाल है, का आवेश, सुना है आवेश के चारों तरफ, सुना है जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहां, हम सब जानते हैं आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, और जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है वहां विद्युत बल रेखाएं होती हैं, होती हैं कि नहीं होती, विद्युत बल रेखाएं किससे उत्पन्न होती हैं, आवेश से, तो ये विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न हो रही हैं, हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, बच्चों ढीले बच्चा हो तुम, क्या गुजर रही है ये, कहां से, आवेश से होकर विद्युत बल रेखाएं काय में से गुजरी, हाँ बंद पृष्ठ से, काय से, बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ से ये क्या गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है उसी पृष्ठ से लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं,
तो बंद प्रश्न से होकर ये क्या गुजर रहा है? हाँ है ना, क्या गुजर रहा है? कहां से? अच्छा तो कोई पूछे यहाँ पाई क्या है तो क्या बोलोगे? पूरा बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या? मैं तुम्हें कुछ समझाने आ रहा हूं, मैं तुझे बता रहा हूं कि गॉस ने कही का है, क्लियर? पाई क्या है? बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, क्लियर? ये क्या है? आवेश या बंद? अब देख कितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी सारे इतने समझ जाओगे पढ़ोगे तो, क्लियर? क्यों क्या है? बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित आवेश, अगर बाय चांस, अगर बाय चांस जहां में दो चार आवेश और तरी होती अंदर, तो सिगन को मिलमा ले ली थी। मिलमा मतलब सिगन को जोड़, सिगन को जोड़, तो जाए यूं लिख सकते हो, कहीं ऐसे लिख दिए थे, सही बोल दी, कुछ गलत क्या दी? यह है गॉस की प्रमेय। एप्सिलॉन जीरो पढ़ाया आपने, निर्वात की विद्युतशीलता पहले ही पढ़ा चुका हूँ। बोले भैया तो जाए कहा न्योना लिख सकता, मैं न्योना लिख सकता कहा जाए, कहा गलत कर दी भैया मैंने, कहा गलत कर दी मैंने, अंदाजा लगे बस, बात तो वही है, अति है कि ना? चलो बोलो क्या है? गॉस की प्रमेय के अनुसार, ठीक है, मैं जहां पर उंगली रखूं आप लोग अपने मन में बोलना, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा तो मिलान करना, कोई बोला है कि नहीं बोला, समझ गए? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित कुल आवेश, बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और कहा होगा? क्लियर? गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सिंक्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सीन क्लियर है? एक मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को गॉस की प्रमेय समझ में आ गई। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहा हूं, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रश्न से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बंद प्रश्न के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलो अच्छी बात है, अगर इतने की बात समझ में आ रही है तो अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं। करें शुरुआत? चलो तो सिद्ध करते हैं। तो गौर से सुनिएगा, सबसे पहले मैंने यहां पर एक बंद प्रश्न कंसीडर किया है। क्या है ये? बंद प्रश्न। बंद प्रश्न के अंदर मैंने यहां पर कोई एक बिंदु माना है O, और जहां पर आवेश क्यू स्थित है। क्या स्थित है? आवेश क्यू स्थित है। क्लियर? मुझे क्या सिद्ध करना है बच्चों? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का सूत्र क्या है बच्चों? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यही तो सिद्ध करना करते। तो सेकंड से पहले मुझे का निकालना पड़ेगा, आई निकालना पड़ेगा, विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना? का निकालना पड़ेगा मुझे विद्युत फ्लक्स काय को? बंद प्रश्न से। कितनी बढ़िया बात की, बंद प्रश्न से घर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया ये जो बंद प्रश्न मैंने कंसीडर किया है यहाँ पर, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, ये एक बंद प्रश्न की कल्पना कर रहा हूँ, उस बंद प्रश्न के अंदर आवेश क्यू स्थित है बिंदुओं पर, और इस बंद प्रश्न की त्रिज्या मैंने आर मान ली, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इस बंद प्रश्न के अंदर क्या किया बच्चों? मैंने इस बंद प्रश्न के अंदर, ये दिख रहा है आपको बंद प्रश्न है, दिख रहा है गोरा गोरा सा ये सर, इस बंद पृष्ठ पे ये कजरोटा सो दिख रहा, क्लियर? काली बिंदी दिख रही है ना? मैंने यहाँ पर इस बंद पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल चुन लिया है। क्या चुन लिया है? देखो समझना, अगर पुरानी कथाएं क्लियर है, मुका निकालने में बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो पूरे को विद्युत फ्लक्स निकालने से पहले चुन चुनिया से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, तो पूरे का निकालने के लिए क्या करूंगा? समाकलन। बस यही कहानी, अब पूरी एंड नो जय लगेगी रोजे से, समझ गए आप?
तो मैंने क्या किया, ये जो बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है दिख रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा चित्रफल चुन लिया है मैंने और ये ऐसे रखा हुआ है। तो बताओ ये छोटा सा चित्रफल डी ए जो है वो साइड में है कहीं, बोलो। तो ये मैंने एक छोटा सा क्षेत्रफल चुन लिया डी ए, जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा, बोलो भैया इस छोटे से क्षेत्रफल को क्या नाम दे दूं, डी ए, यहाँ लिख दूं आपके समझाने के लिए, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। छोटा सा क्षेत्रफल है, आप मुझे बता सकते हैं ये छोटा सा क्षेत्रफल डी ए जो है इस क्षेत्र, अब ये ऐसे रखा है ना, दिख रहा है ना सभी को, अब ये ऐसे रखा है, तो मुझे बता सकते हो ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, कैसे होगा, समझ गए। चलो अच्छी बात है, आपने कही था मेरे धद्दा हुआ ऐसा, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश है ऐसे, काबू को परेशानी। अब आप बता दो इस आवेश के कारण ये जो बिंदु है जहां पर आपने ये छोटा सा क्षेत्रफल चुना है डी ए, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, सिखा चुका हूँ विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालना, जिस बिंदु पर दिशा निकालनी होती है क्या मानते हैं, हाँ एक अंक धनावेश मानेंगे, जे धन है और जे ऋण है, हाँ धन धन धनाधन कितु जाओ, समझ गए, तो विद्युत क्षेत्र यही लगे वो। तो बताओ छोटे से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बस हो गया कि डी पाई बराबर, वो तो सब ठीक है, थीटा कितने धरूं, क्यों धरूं, जीरो, विद्युत क्षेत्र भी ऐसा ही है और क्षेत्रफल सदिश भी ऐसा ही है, तो थीटा कितने गए वो, जीरो, बात समझ आ रही सभी को, तो ये मैंने बढ़िया जीरो दे दो जी, आओ हमें चुनचुनिया से क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पर मुझे तो पूरे थे चाहिए समाकलन, कर दो नहीं कर दो अगले स्टेप में कर दो, अब का आएगा खेल, चलो बोलो समाकलन डी भाई, समझ में आई, चलो समाकलन ई डी ए कॉस जीरो कितना हो गया, वन वन लिखूं, कौ तो लिख देता हूँ, कौ तो लिख देता हूँ, ना लिख रहा था, अगर देगी बात समझ गए लल्ला, अरे बताओ जहाँ कहाँ कर दो, शाबाश बच्चों शाबाश, इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम, कहा कहूँ मैंने बच्चों को, तो फाइव बराबर ई का है, अरे काय का नहीं आता, ये अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, इस बिंदु पे निकाली है, बिंदु आवेश के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, वन अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन जीरो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जानो क्लियर है, को बच को समाकलन डी ए, यहाँ साइड में समझा रहा हूँ, समाकलन डी ए काय के बराबर होगा, ए के बराबर, काय के बराबर होगा समाकलन डी ए, ए के बराबर, समाकलन डी ए बराबर हो गया ए। अब ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, ये चीज इसमें बार बार यूज आएगी, ये देख रहे हो ये क्या आकृति है, गोला है ना, जहां में ये छोटो सो चुनचुनिया सो डी ए है, ऐसे डी ए और होंगे छोटे छोटे बहुत सारे, सी डी एन ने मिला के जोड़ दूं तो पूरा काय का क्षेत्रफल आ जाएगा, गोले का क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर, सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, गोले का क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर, तो समाकलन डी ए बराबर है गई ए, यानी गोले का क्षेत्रफल हो गया पूरा ये, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, फोर पाई आर स्क्वायर, तो ये मैंने समाकलन डी ए की जगह उठा के ये टांग दूं फोर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ते आर स्क्वायर बोल दूं, चार पाई ते चार पाई टोल दूं, बोलो भैया गलो ही चलोगा वहां तो, तो भाई बराबर ते आई है गई लाल आर ए क्यू बन जा क्यू एकम क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो के काबू को परेशान, सुनिए मैंने के तो बेपेंदी को लोटा है, जहां चाहे धर दो वहां चाहे हटा दो, क्लियर है, अगर जामे थे के हट गई तो जाओ मतलब का है, हाँ समझ गए, चार अलग माध्यम क्या है, हवा या निर्वात है, समझ गए, वैसे तो मेन ये आ गया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, हवा या निर्वात हेतु में बोलेंगे ही नहीं कछु, धरे रहो हवा या निर्वात हेतु के बराबर वन, क्लियर है, अब हवा जय गॉस की प्रमेय में जो कह दियो, तो चाहे मैंने किसी माध्यम में धर दिया तो फिर जामे आप के लगाना पड़ता नहीं है, बस क्लियर है, किसी पट्टे ने गॉस की प्रमेय पूछ ली तो बता दूंगा, चार आने की उम्मीद नहीं है मुझे, लेकिन ध्यान रखना इसके बिना कोई खेल होगा नहीं, सारे कर्म अब गॉस की प्रमेय से ही होंगे, मैं तुमसे पूछूंगा फाई क्या है तो क्या बोलोगे, टिंडे बंद प्रश से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और सब जगह फाई विद्युत फ्लक्स ही है, लेकिन स्पेशली गॉस की प्रमेय जब बात की जाएगी तो फाई होगा बंद प्रश, गॉस की प्रमेय बंद प्रश के लिए लगेगी, हर जगह नहीं लगेगी, समझ गए, किसी जगह बंद प्रश होगा तो ही लगेगी, नहीं बस समझ में, हाँ हाँ तो फाई क्या है,
हाँ, बंद प्रश से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्यों क्या है? आवेश नहीं है, बंद प्रश के अंदर उपस्थित कुल आवेश है। क्या है? एप्सिलॉन जीरो, तुम जानते ही हो। नहीं यही बात है, फटाफट गॉस की प्रमेय देख लो पूर्ति में। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।